प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम लेकर के आए हैं कक्षा 9वीं हिंदी का जो प्रथम सत्र का, फर्स्ट टर्म का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, उसमें अंक विभाजन कैसे होगा, कौन सा टॉपिक कितने अंक का आएगा, तो उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं सत्र एक में, जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक है उसमें से क्या क्या फर्स्ट टर्म में आता है। तो आइए देखते हैं सत्र एक 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक। तो गद्य खंड में दो पाठ हैं, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित ल्हासा की ओर, और काव्यखंड में कबीर की साखियां और सवद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो साखियां और सवद में बहुत सारी चीज नहीं है, केवल एक पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ललित द्वारा रचित वाक और रसखान जी द्वारा रचित सवैये। तो ये आपका क्षितिज भाग एक में से दो बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, मोको कहाँ ढूंढे बंदे नामक पद, वाक और सवैये, ये चीजें आपकी आएंगी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी पाठ्यक्रम क्या होगा। कक्षा 9वीं हिंदी में 2021-22 में कौन सा प्रश्न, कौन सी इकाई, कितने अंक की आएगी, तो आइए उस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित से चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो क्या क्या आएगा, एक अपठित गद्यांश आना है, लगभग 150 से 200 शब्दों का है। इस गद्यांश पर आधारित पांच प्रश्न होंगे, जिनके चार चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। फिर दूसरा एक अपठित काव्यांश आना है, 150 से 200 शब्दों का, इसके भी पांच प्रश्न होंगे विकल्प सहित, और ये भी पांच नंबर का होगा। तो पांच नंबर का अपठित गद्यांश और पांच नंबर का अपठित काव्यांश, इस तरह से दोनों मिला के ये 10 नंबर के होंगे। दूसरा बिंदु दे रखा है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर 20 में से 16 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो 20 प्रश्न आएंगे व्याकरण के, और उनमें से आपको कोई भी 16 प्रश्न करने होंगे। तो उनमें क्या क्या आएगा, एक तो शब्द निर्माण में से आपका आना है उपसर्ग 2 अंक के, प्रत्यय 2 अंक के, समास 4 अंक के। इस तरह से उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों मिलाकर के 8 अंक के इनमें से प्रश्न आने हैं। एक एक नंबर का प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये 4 अंक का आना है। अलंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो अलंकार में ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ अलंकार आपके आएंगे, तो 4 अंक के ये आपके अलंकार आने हैं। तो व्याकरण में आपको कुल 16 अंक के प्रश्न हल करने हैं, 20 प्रश्न आएंगे लेकिन उनमें से 16 करने हैं। तो दोबारा से दोहरा लेते हैं, उपसर्ग आएंगे 2 नंबर के, प्रत्यय 2, समास 4, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद होना है उसमें 4 अंक के प्रश्न आने हैं। अलंकार भी आपका 4 अंक का आएगा, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अलंकार होंगे। अब पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से पाठ हैं, तो उनमें से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर देखिए चर्चा करते हैं। गद्य खंड में देखते हैं, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज में जो पाठ हैं, दो पाठ हैं,
एक तो दो बैलों की कथा और एक ल्हासा की ओर, इनमें से पांच नंबर के, पांच अंक के पांच प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके विकल्प भी होंगे। अगला है, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी उन्हीं पाठों में से हैं, लेकिन इनका स्तर कुछ और बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, तो ये अलग से रख दिए गए हैं। काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से आपको बता दिया कि तीन कविताएं हैं, कबीर, ललद्यद और रसखान। इन तीन जो कवि हैं इनकी कविताओं में से प्रश्न पूछे जाएंगे पांच अंकों के। ये पांच अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी बहुविकल्पीय होंगे, चार चार विकल्प इनमें होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी विद्यार्थियों का काव्य बोध, काव्य की समझ कितनी है, उस पर आधारित दो प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, ये पूछे जाएंगे। तो अब आप समझिए, पाठों में से भी पांच और दो सात, और कविताओं में से भी पांच और दो सात, सात और सात 14 नंबर के आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दो पाठों में से और तीन कविताओं में से होंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपके 10 अंक रहेंगे, जिसमें सामयिक आकलन होगा 3 नंबर का, बहुविध आकलन होगा 2 अंक का, पोर्टफोलियो होगा 2 अंक का, श्रवण एवं वाचन होगा 3 अंक का। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे जो अंक होंगे वो 50 होंगे, लेकिन परीक्षा जो होगी वो 10 और 16 26, 4 30 40, ये 40 अंकों की जो आपकी परीक्षा होगी, ये आपको 18 नवंबर से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उनमें ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर ही करें। दो तीन चीजें मुख्य रूप से समझ लें कि सारे जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा, चार उनके विकल्प दिए गए होंगे, आपको जो OIMR सीट दी जाती है उसमें उन विकल्पों में से सही विकल्प आपको भरना होगा। 10 अंक जो होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। तो इस तरह से प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 40 अंक की परीक्षा और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 50 अंक ये कुल मिला के हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा जो सत्र होगा वो भी 50 अंक का, तो दोनों में से मिला करके आपको आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। तो आज इतना ही, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।